केंद्र सरकार द्वारा MSP खत्म किए जाने के विरोध में आज गुरदासपुर में पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ की अगुवाई में मीटिंग की गई। इस मीटिंग में गुरदासपुर जिले के तीनों कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और अरुणा चौधरी समेत कांग्रेस के गुरदासपुर के MLA बरिंदर मीत सिंह पहाड़ा समेत जिले के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। वहीं इस मौके कांग्रेस पार्टी के नेता अश्विनी सेखड़ी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मीटिंग में कांग्रेस के वर्करों की कोई भी बात नहीं सुनी गई। तो सारे जिले के जड़े इन्होंने ऑफिस चेयरमैन या दूसरे लोग नॉमीनेट किए या जड़े चुने हुए नुमाइंदे सारे चुने गए ब्लॉक समिति जिला परिषद के MLA XML सदे गए पार्टी के जाखड़ साहब आए अपनी गल करके चले गए। दो मिनिस्टर साहब भी आए सी वर्कर के उत्ते मेरे गल कर रहे हैं कि साड़ी तो गल सुनी कोई नहीं। प्रधान साहब आए ने चुनाव तो बाद पहली मीटिंग हुई सी कोई गल वर्करां दी सुननी चाहिए थी। सो चलो उन्होंने जल्दी होगी अपनी गल करके गए ने बड़ी अच्छी गल करके गए ने कि किसानों की जी ऑर्डिनेंस आई है वो खिलाफ आवाज़ चुकी है कांग्रेस पार्टी की आवाज़ चुक रही है असं भी सारे चुक रहे हैं। बट अज जिला गुरदासपुर का असली मुद्दा की है वो तो गल करनी चाहिए थी। असली मुद्दा यह है कि कोरोना फैल रहा लोग चिंतित ने। जिले गुरदासपुर की पापूलेशन है 23 लाख असी सारे इतने रहने ते वेंटिलेटर है सिर्फ 2 ते बैड जड़े ने सिविल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल पाकर सिर्फ 200। तुसी इमेजिन करो कि इन्नी भयानक बीमारी है तो 200 बैड क्या 23 लाख बंदे सपोर्ट कर सकते हैं। आज जरूरत इस गल की सी कि अगर इतने 2-4 हज़ार किसी रब ना करे बंदा बीमार हो गया तो कितने लम्बे पावांगे। इतने कोई चर्चा नहीं हुई और ये जरूरी है कि सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी यही चाहिए। अपने 2 मंत्री इतने आए थे जिले साढ़े के मंत्री ने मैं 3 मंत्री आया सी इनफैक्ट मैं उत्थे थोड़ा जोर जोर दी बोल के कह रहा सी मंत्री नूं कि कसर ना कोई छड़ना। वर्कर लोग तड़फ रहे ने कि कांग्रेसियों का काम नहीं हो रहा जिले गुरदासपुर तो सचदत अदरा अलग हो रही है परचे बन रहे। एक बंदा मैंने उत्थे दस रहा सी सीनियर लीडर है कि 307 का परचा बना। मैं आरोप नहीं ला रहा मैं ध्यान दवा रहा अपने प्रदेश के प्रधान का तो जिले के मंत्रियों का इस गल बात कि मेहर करो जिला गुरदासपुर की हैल्थ जी सिस्टम है चरमरा गया है। 200 बैड न 23 लाख बंद सपोर्ट नहीं किया जा सकता। कल मैं जाके खुद पंजाब के सारे कॉलेजों को लिख के दे के आया सरकार कि असी 10,000 बैड जोड़े क्रिएट कर देने कॉलेजों के ऑक्सीजन लवा दें बैडा के नाल जे कि लड़ पे तो वरत लो सरकार अगर जरूरत समझे तो फैसिलिटी साढ़े को ले सकती असी सपोर्ट करने को तैयार है। तो देखिए होना कि केजरीवाल साहब इतने आए थे 4-5 दिन पहला तो 10,000 बैड वो उत्थे ब्यास का जोड़ा उन्होंने उत्थे हैगा वा शासन घर दिल्ली उत्थे 10,000 बैड वो सरकार वालों लवा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।